हेलो भाई साहब, नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया भाई साहब, क्या नाम है अपना? जितेंद्र ठाकुर। जितेंद्र ठाकुर, तो किधर से आए जितेंद्र? अमरावती। अमरावती से? हाँ। तो अमरावती किधर की साइड में, एमपी में पड़ता है कि महाराष्ट्र? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, अमरावती। महाराष्ट्र में। तो कितने क्या घोड़े रखते हो अभी? मेरे पास में दो घोड़े हैं। दो घोड़े हैं जी, एक तो ये बच्ची है। हाँ हाँ। ये दिलशान की पोती है। दिलशान की पोती? हाँ, राजदीप की बच्ची है। आयाद स्टार्ट फार्म से ली थी हमने। और राजदीप घोड़ा है अभी? हाँ, आयाद स्टार्ट फार्म पे है ना राजदीप घोड़ा। अच्छा, अभी मिर्ज़ा साहब के यहाँ बड़वानी में। बड़वानी में? बड़वानी में, एमपी तो, में। तो क्या उम्र हो गई है सर बच्ची की? अभी ये 27 महीने की हो गई है। 27 महीने की जी। और अभी रिंग के हिसाब से लेके आए? रिंग के हिसाब से। रिंग के जी। तो अभी दो दांत लग गई होगी ना? नहीं, अभी दांत नहीं किए। नहीं किए, अदंत है। अच्छा, अदंत में लगाने वाले? अदंत में लगाने वाले। तो क्या हो गई हाइट में? हाइट में अभी 61+ है। 61+ है जी। बाकी मार्किंग क्या है इसकी? मार्किंग तो अभी आपके सामने है, जो भी टीका है। हाँ, टीका सफेद नहीं है ना? पैर सफेद नहीं है, पूरी ब्लैक है, टीका है सिर्फ। तो पहली बार लेके क्या आया? पहली बार लेके आए, मेले में ही? मेले में पहली बार आए। तो घोड़े रखना कैसे चालू करा था? बस शौक था पहले से। हाँ। ऐसी घूमते घूमते चले गए मिर्ज़ा साहब के यहाँ, उनके यहाँ पसंद आ गई तो ले ली बच्ची। तो कितने टाइम हो गया सर घोड़ा घोड़ी रखते हुए? ये अभी 2 साल हो गए। 2 साल हो गए जी। तो कैसे लगा कि रिंग में भी भाई हमारे को लेके जाना चाहिए घोड़ा घोड़ी? बहुत बढ़िया लगा, रिंग में आना ही चाहिए। जब अपन ने पाला है, रखा है, तो इसको रिंग में लेके आना ही चाहिए। तो घोड़ा घोड़ी भी पहली बार आए या आप भी पहली बार? नहीं, घोड़ा घोड़ी भी पहली बार आया और मैं भी पहली बार आया हूँ। आप भी पहली बार आए? मैं भी पहली बार। इतने सारे घोड़े एक जगह देख के कैसा लग रहा है? बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। ये मेला भी बहुत बढ़िया भरा हुआ है, मैं तो पहली बार देखा हूँ इतने सारे घोड़े और इतने सारे मेले में, सारा जो देखने में आ रहा है। तो मेला देखा, पूरा घूमा? पूरा पूरा घूम लिया मेला। घोड़े एक से एक जबरदस्त, एक से एक जबरदस्त घोड़े आए, एक से एक घोड़े। तो पहली बार आपने घोड़े का मेला देखा होगा, थोड़ा सा अजीब लगा होगा? अजीब लगा ना, इतने सारे घोड़े, ऐसा लगा घोड़े का मेला होगा, 100-200 घोड़े होंगे, यहाँ तो हजारों से है घोड़े। और ये भी पता लगता है भाई अपने अपने पास में जो क्वालिटी है और दूसरे के पास में उसमें क्या फर्क है? जी, क्वालिटी का, ब्लड लाइन का फर्क होता है ना। बिल्कुल। हाँ। तो क्या नाम रख रखा है सर अभी इसका? इसका नाम शांति नाम है। शांति? शांति जी। तो शांति कैसे रखा सर नाम? ये तो मेरे मम्मी ने रखा था। मम्मी घर लेके आए तो मम्मी बोले इसका नाम शांति रख दो, तो इसका नाम शांति रख दिया हम लोगों ने। बिल्कुल। हाँ। तो क्या सर डाइट में क्या दे रहे हो अभी इसको? डाइट में इसको चोकर है, इसको गुड़ है, दूध है और घास होता है, और भी कुछ थोड़ी बहुत चीजें जो रहती है, अनाज अनाज वो भी दे देते हैं। तो कभी कभार कोई तकलीफ आती है जैसे घोड़े से रिलेटेड, तो किसको पूछते हो फिर? वही मिर्ज़ा साहब को पूछ लेते हैं, फोन लगा के। हाँ, वो बता देते, वो पुराने घोड़े वाले, पुराने। हाँ, उनके यहाँ 16-17 घोड़े हैं ना उनके यहाँ, सभी ब्लड लाइन के जानवर है उनके यहाँ। बिल्कुल जी। तो कल इसका कंपटीशन? हाँ, कल है इसका। कल ऐसे बोल सकते, दंगल है इसका। दंगल है इसका, देखो क्या होता है। क्या होता है दंगल में? रिजल्ट कल ही अच्छा ही आएगा, कुछ जो भी आएगा। चलो, रिजल्ट अच्छा आए या ना आए पर एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। एक्सपीरियंस मिलेगा है ना। हाँ जी। चलो सर, बहुत अच्छा लगा, आप पहली बार मिले भी आए। अच्छा, वो घोड़ा है अपने? हाँ, सुल्तान भी है उधर। ये भी रिंग के हिसाब से लाया? हाँ, ये भी रिंग के हिसाब से लाया, स्टैलिन के हिसाब से। क्या हाइट में क्या होगा सर? ये 66+ है। 66+ है। हाँ। और कौन है इसका बाप? इसका बाप डायरेक्ट काला कांटा है। काला कांटा है। हाँ। और कुंती इसकी माँ है, वो भी आयाद स्टार्ट फार्म की है। उम्र में कितना हो गया? उम्र में हो गया ये अभी 4.5 साल का। 4.5 साल का जी। तो ये आपने लिया कहाँ से था? ये हमने बड़वानी से ही लिया है, मिर्ज़ा साहब से। मिर्ज़ा साहब से जी। तो इसको स्टैलियन में? स्टैलियन में, स्टैलियन में उतारेंगे इसको। हाँ, स्टैलियन में उतारेंगे। क्या नाम रख रखा है सर? इसका नाम सुल्तान। सुल्तान जी। बिल्कुल। इसको भी पहली बार ही आया? इसको भी पहली बार आया है। तो दो, एक घोड़ा और एक बच्ची? एक बच्ची लेके आया हूँ। बिल्कुल। तो इसकी कवरिंग वगैरह चालू कर रखी है क्या? हाँ, चालू कर रखी है। तो क्या फीस वगैरह क्या लेते हैं? फीस वगैरह का तो अभी डिसाइड नहीं किया, लेकिन अभी आना आया तो नहीं है अभी तक कोई, बताया है तो एक दो लोगों को। अच्छा, बताया है। हाँ। पर मेरे को लगता है कि आप पहली बार आए हो तो कोई प्रमोशन भी नहीं करा होगा। नहीं है? क्योंकि आजकल प्रमोशन बहुत जरूरी है घोड़ा घोड़ी जी, घोड़ा घोड़ी का प्रमोशन बहुत जरूरी। चलो, तो दोनों में से कुछ सेल करने का है कि नहीं? नहीं, सेल करने का नहीं है।